नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सपनों के संसार में। और मैं हूँ आपके साथ आपकी ड्रीम प्रेडिक्टर एस्ट्रोलॉजर राधा कुशवाहा। तो भगवान बाके बिहारी आप सभी को हमेशा खुश रखें। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको भगवान बाके बिहारी सदैव परिपूर्ण करें। वह आपको स्वस्थ वाली दीर्घजीवी जीवन प्रदान करें, ऐसी हमारी आपके लिए मंगल कामना है। मित्रों, सपनों की इस सीरीज़ में आज आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि आप अपने सपने में भैंस को देख रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। बहुत लोग भैंस को डर के थोड़ा सा डर जाते हैं और अपने अनुभव को थोड़ा गलत समझ लेते हैं कि मतलब ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार भैंस को मृत्यु के देवता यमराज का वाहन माना जाता है, तो उससे जोड़ करके देखते हैं तो थोड़ा डरावना अर्थ भी इसका निकलता है और थोड़ा सकारात्मक अर्थ भी है। तो आइए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों में शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मित्रों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सपने में भैंस को देख रहे हैं तो यह सकारात्मक सपना है और निकट भविष्य में आपकी जो आर्थिक स्थिति के बारे में संकेत दे रहा है, ये संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सुदृढ़ और अच्छी होने वाली है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होने वाला है। वहीं मित्रों, अगर आप सपने में बार बार निरंतर भैंस को देखते हैं तो ये सपना थोड़ा सा नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि एक तरीके से आर्थिक हानि व परेशानियों व बीमार होने की ओर इशारा करता है। तो दूसरी ओर एक इशारा इसका थोड़ा सा नकारात्मक भी है कि अगर आप बार बार भैंस को अपने सपने में देखते हैं तो ये आपकी अकाल मृत्यु की ओर इशारा करता है। तो थोड़ा सा आप सावधान रहें, अभी आपका समय ठीक नहीं है। आप कहीं भी यात्रा करने से या किसी भी तरीके से ऐसे कार्यों से बचें जिनसे आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इन नकारात्मक बातों को अपने वीडियोस में नहीं लाना चाहती हूँ। तो मित्रों, आप अपना समझ सकते हैं, आप अपनी खुद से देखभाल कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आप सपने में बिना सींग के भैंस देख रहे हैं तो यह आपके निकट भविष्य में आर्थिक हानि की ओर इशारा कर रहा है और आपको थोड़ा सा सतर्क कर रहा है। यह सपना इसको लेकर के कोई आपको धोखा दे सकता है। धन संबंधी जो भी आपके विचार कह सकते हैं कि आप कहीं इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सोच समझ करके करें, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा समय सही नहीं है। मेरे मित्रों, अगर आप भैंस के ऊपर सामान रखा हुआ देखते हैं तो यह सपना आपको किसी के द्वारा धोखा देने की ओर इशारा कर रहा है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें निकट भविष्य में या वर्तमान समय में। मित्रों, अगर आप खुद को भैंस के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं तो यह सपना थोड़ा सा नकारात्मक है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। अगर आप थोड़ा सा भी बीमार हो तो कृपया करके जाके अपने डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि आपकी ये लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इस तरीके के सपने आपको मृत्यु अकाल मृत्यु की ओर इशारा कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप सपने में भैंस का दूध निकाल रहे हैं तो ये आपकी आर्थिक वृद्धि की ओर, आपके बिजनेस में लाभ होने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं व्यवसायी और नौकरी पेशा व छात्रों के लिए भी अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति की ओर इशारा कर रहा है यह सपना। और अगर कोई अविवाहित पुरुष या कन्या इस सपने को देखती है तो निकट भविष्य में उसके विवाह की ओर भी इशारा हो रहा है। वहीं कोई निसंतान दंपति या न्यू मैरिड कपल इस तरीके का सपना देखता तो जल्द ही उनके स्किल कारी गूंजने वाली है, ऐसा कुछ ही सपना आपके लिए प्रिडिक्शन लेके आया है। तो मित्रों, ये था सपने में भैंस को देखने की विभिन्न अवस्थाएँ। अगर आपकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसका मैंने वीडियो में विश्लेषण प्रदान नहीं किया तो आप नीचे वीडियो के जाके कमेंट करें, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगी। मित्रों, मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।